Dear students, this question is question number 3 from this miscellaneous exercise and a very important question. ध्यान से समझ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. Let A, B and C be the three sets such that A union B is equal to A union C. तो ये मेरे को पहली चीज गिवन में आई है. And A intersection B is equal to A intersection C. ठीक है. Then we need to prove B is equal to C. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है. Let's understand the approach. हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या चीज की बनी. A union B is equal to A union C. मैं ना इन क्वेश्चंस को करने के दौरान एक चीज बच्चों को हमेशा कहता हूं, मन में ऐसा सोचा करो कि हम अलजेब्रा कर रहे हैं. यूनियन का मतलब प्लस है और इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई है. क्वेश्चंस देखने और समझने और आसान हो जाते हैं. ठीक है. कैसे. मैंने लिखा A यूनियन B इंटरसेक्शन C. A यूनियन C इंटरसेक्शन C. इसमें कोई डाउट क्या क्या है. मन में सोचो तो मैंने मल्टीप्लाई में सी कर दिया दोनों पर. हाँ ठीक है. अब कुछ चीज समझाना चाहूंगा. यहां पे लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आपको याद होना चाहिए कभी x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय z होता था आप क्या लिखते थे. x इंटू जेड प्लस तो ये क्या है प्लस और ये क्या है तो ये क्या बनने वाला बताओ. A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C. क्या ये बात समझ आई. अब बात करते हैं इधर A यूनियन C इंटरसेक्शन C. लेट सपोज ये मेरा एक सेट है जिसके अंदर एक सेट A है और एक सेट C है. वो कहता है A यूनियन C. तो ये A यूनियन C ये और ये तीनों पार्ट हो गए. इंटरसेक्शन ऑफ C, C के इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों पार्ट हो गए. तो क्या है C आया कि नहीं आया. क्या ये बात समझ आ. इस जगह मैंने लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इस जगह वेन डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग. तो ये मेरा एक पार्ट आ गया. मुझे प्रूव करना है B इक्वल टू C. मैंने आपको पहले भी क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन अगर मैं किसी B को भी इसके बराबर प्रूफ कर दूं तो बात बन गई. अब आते हैं इसके से. फिर से शुरुआत इसी स्टेप से करूंगा. A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C गिवन. A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B. इसमें कोई डाउट. जैसे A यूनियन C इंटरसेक्शन C आया था C के बराबर A यूनियन B इंटरसेक्शन B किसके बराबर आएगा. के बराबर. इसमें कोई शक नहीं. अब यहां क्या लगेगी फिर से डिस्ट्रीब्यूट. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. अब नोटिस करो ये और ये बिल्कुल सेम पंगा पड़ रहा है दोनों बट ये भी हमें गिवन है इक्वल. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू A intersection C union B intersection C because reason क्या है. A intersection B is equal to A intersection C. So mark it as result number 2. ये result number 1 दोनों same चीज के बराबर है. तो from 1 and 2 मैं क्या कह दूं बेटा B is equal to C. करिए ना quickly.